मेरे परिवारजनों, आपने यहां ब्रज क्षेत्र की बड़ी मशहूर कहावत है, हमारे यहां वो बोला जाता है, जा पत्तल में खानो वहां में छेद करनो। कांग्रेस ने यहां आपके साथ ऐसा ही किया है। यहां कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हर नागरिक के जान माल की सुरक्षा करे, लेकिन हुआ क्या, बीते 5 वर्षों में बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर सबसे ज्यादा अपराध हुआ, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार आप लोग शांति से नहीं मना पाए। दंगे, पत्थरबाजी, कर्फ्यू, राजस्थान में यही सब चलता रहा। कांग्रेस जहां जहां आती है वहां वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टिकरण ही सब कुछ है। कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान के महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती हैं, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? क्या कोई मां, बहन, बेटी ऐसी बात खुद कह सकती है कि मेरे, और ये क्या हो गया है कांग्रेस के लोगों को? क्या ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे जादूगर को एक मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक है क्या? एक मिनट भी रहने का हक है क्या? अब उनको विदाई करोगे कि नहीं करोगे? आप लोग पक्का करोगे? 25 तारीख आपके हाथ में है। भाइयों और बहनों, महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच कितनी गिरी हुई है, ये कांग्रेस के एक मंत्री के बयान से भी पता चलता है। महिला अत्याचार पर उस मंत्री ने कहा कि इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। डूब मरो, डूब मरो कांग्रेस के लोगों, डूब मरो। क्या भाषा बोलते हो आप? क्या राजस्थान के मर्द जो इस मिट्टी के लिए मौत को आलिंगन करने वाले, शौर्य से भरपूर यहां के मर्द होते हैं, यहां के मर्द बहन बेटी की इज्जत की जिंदगी के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं? बेटियों की इज्जत के लिए मरने मिटने में कोई जो मर्द है वो पीछे नहीं रहता। लेकिन उस राजस्थान में
कांग्रेस के जादूगर के प्रिय मंत्री ये कहें कि तो मर्दों का देश प्रदेश है और इसलिए बहनों को जुल्म होता रहता है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इस राजस्थान के मर्दों की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? यहां की माताओं बहनों की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? क्या राजस्थान की कोई भी मां बहन बेटी इस बयान को स्वीकार कर सकती है? ये बयान राजस्थान के हर माता बहन के सीने में भाले की तरह चुभ रहा है और कांग्रेस ने इस मंत्री को सजा देने के बजाय इनाम दे दिया है। टिकट दिल्ली वाले भी इससे सहमत हो गए और इसलिए दिल्ली में बैठे लोग वे भी इस बात से सहमत हो गए, इस पाप से सहमत हो गए और इसीलिए उनको टिकट दे दिया। सवाल ये उठता है कि जादूगर के एक प्रिय मंत्री के पास वो कौन सी दूसरी लाल डायरी है कि दिल्ली को भी झुकना पड़ा और ऐसे व्यक्ति को टिकट देना पड़ा। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के हर नेता को इस मंत्री की सच्चाई का पता है, लेकिन फिर भी इस मंत्री के पास कोई ऐसी जानकारी है, दिल्ली में बैठे हुए लोगों की भी कोई जानकारी है, सब उससे कांपते हैं, टिकट दे दिया है। मैं आपको वादा करता हूं, यहां भाजपा की सरकार बनने के बाद उस राज को भी खोलने की कोशिश की जाएगी। मेरे साथियों, राजस्थान से कांग्रेस को सदा सर्वदा के लिए हटाने की जरूरत है और हटाने का मतलब सिर्फ आपकी विधानसभा में उसका पराजय हो जाए इतना नहीं है। जैसे दिवाली के त्योहारों में वैसे तो हमारी माताएं बहनें घर में सफाई रोजाना करती है, लेकिन दिवाली के समय कोने कोने से छोटी छोटी जगह से भी इतनी सफाई करती है, घर को चमका देती है। जैसे दिवाली के त्योहार में माताएं बहनें हर कोने की सफाई करती है ना, ये चुनाव भी वो दिवाली है, हमने ऐसी सफाई करनी है, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे? पक्का करोगे? तब तो देव दिवाली ऐसी मनेगी।